हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत करंट अफेयर्स। और आज हम 4th of January के इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को लेंगे। उसके पहले जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करवा दूं। एंड ऑफकोर्स अगर आपके कोई सुझाव, कोई कॉमेंट्स, कोई और सजेशन हो जो आपको लगते हैं कि यहाँ एड हो सकते हैं और आपको हेल्प करेंगे, सो प्लीज कॉमेंट मी बैक, आई वुड लव टू रीड दैट। तो शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से। In a first ISRO arm to use Musk rocket to launch heavy set. Set means satellite. तो यहाँ पर इस आर्टिकल में अगर समझने वाली बात ये है कि कौन से वो एब्रीविएशन हैं जो हम जॉट डाउन कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में, अपनी तैयारी में जॉट डाउन कर सकते हैं, और धीमे धीमे ऐसे करने से हमें क्या फायदा होगा उसको हम समझेंगे। तो अगर इस आर्टिकल में आप देखें तो इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पर ये आ रहा है, मस्क रॉकेट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मस्क एक और व्यक्ति विशेष के नाम के बाद में आता है और वो नाम है एलॉन मस्क, राइट। अगर आप नहीं जानते हैं तो इनके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इन अ फर्स्ट, इसरो का नाम हम जानते हैं, आर्म टू यूज, यूज कर रहा है इसरो मस्क रॉकेट, मतलब इलॉन मस्क के द्वारा या उनकी कंपनी के द्वारा क्रिएट किया गया रॉकेट टू लॉन्च हैवी सैटेलाइट। हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करने में इलॉन मस्क के रॉकेट को यूज किया जा रहा है। आर्टिकल को पढ़ते हैं। इन अ फर्स्ट, इसरो विल यूज द सर्विसेज ऑफ एन अमेरिकन लॉन्चर फॉर द लॉन्चिंग इट्स ओवर 4-ton हैवी सैटेलाइट। इसरोस कमर्शियल आर्म स्पेस PSU न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसको NSIL कहते हैं, विल गेट इट्स 4.7-ton हाई थ्रू आउट सेटेलाइट लॉन्च बाय फैल्कन 9 रॉकेट ऑफ इलॉन मस्क स्पेस एक्स लेटर दिस ईयर। तो आपको इसमें पढ़ना क्या है? पढ़ना ये है कि आपको इसरो के बारे में, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो जाकर इनकी वेबसाइट पर सर्च आउट कर सकते हैं, इसरो क्या है, क्या करती है, क्या नहीं करती, जो बिल्कुल फ्रेशर है। उसके अलावा आप जाकर के GSLV Mark 3 MK 3 या लिखा हुआ इसको सर्च आउट कर सकते हैं और LVM 3 रॉकेट के बारे में पढ़ सकते हैं। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आने की संभावना रखता है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि इंडिया हैड यूज सर्विसेज ऑफ फ्रांसिस एरियन स्पेस टू सेंड इट्स हैवी सैटेलाइट्स टू स्पेस एज इसरोस बाहुबली GSLV Mark 3 और LVM 3 रॉकेट हैज अ कैपेबिलिटी टू लॉन्च अ सैटेलाइट वेइंग ओनली अप टू 4-ton टू द जियो ऑर्बिट। ध्यान दीजिएगा, एक टर्म यहाँ पे आया है विच इज जियो ऑर्बिट। ये भी पूछा गया टर्म है कि जियो ऑर्बिट क्या है, जियो सिंक्रनस एंड नॉन जियो सिंक्रनस ऑर्बिट्स कौन कौन से होते हैं, उनके लिए भी आप सर्च आउट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके अलावा जिस GSLV Mark 3, इसको मार्क 3 है तो 1-2 भी आए होंगे, मार्क 3 ही क्यों कहते हैं। ये आपके मतलब इसरो से जुड़े हुए सवाल है, साइंस और टेक वाले सेक्शन में पूछा जाता है, स्पेशली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और GS3 में। उसके साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि LVM3 रॉकेट भी यहाँ पे, LVM3 के बारे में लास्ट ईयर काफी बात हुई थी, तो LVM3 रॉकेट के बारे में भी आप टर्म यूज कर लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो इस आर्टिकल से हम क्या लेंगे, जियो ऑर्बिट, GSLV Mark 3 एंड LVM3। उसके बाद आप देख रहे हैं GSAT 20, जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होते हैं, GS20, इसके अलावा और भी पहले कई सैटेलाइट्स की नंबर लिस्ट आती है, हम पढ़ चुके हैं कई बार, तो वो भी आप नोट्स में एड ऑन कर सकते हैं। तो इन छोटे टर्म्स को जब आप नोट्स पे लेते हो, उनको लिखते हो, पढ़ते हो, तो आप ऑटोमेटिकली कई और टॉपिक्स तैयार होते चलते हैं। तो इसलिए मैंने ये सीरीज शुरू करी जहां पर आपको सिर्फ मैं टर्म्स के बारे में समझाऊंगी, गाइड करूंगी और कोशिश करूंगी इनको समझाने की भी, और आप खुद से भी उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और अपनी तैयारी में उसको एड ऑन कर सकते हैं। नंबर 2 है, इंडिया सॉ 129 साइबर क्राइम्स पर लाख पॉपुलेशन इन 2023। तो आपको भी बोलेगा मैम ये तो डेटा है, लेकिन मेंस राइटिंग में, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे IAS की बात आ गई है, PSC की मेंस राइटिंग में, GS1, GS3 में और GS4 में, जहां पर एथिक्स की बात होती है, एथिकल प्रैक्टिसेस की बात होती है, उस केस में ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि इंडिया इज ऑल्सो फेसिंग साइबर क्राइम्स लाइक पर लाख पॉपुलेशन इन 2023। मतलब उन्होंने कहा कि 129 साइबर क्राइम्स पर लाख पॉपुलेशन में टारगेट किए गए 2023 में, डेटा है ये, और इस डेटा के चलते गवर्नमेंट ऑलरेडी इसके ऊपर काफी काम कर रही है, जिसमें साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम CFC RFMS एंड 9030 फाइनेंशियल साइबर क्राइम फ्रॉड हेल्पलाइन भी चलती है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। RBI समय समय पर इसके ऊपर बैंक्स को बोलती रहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते और जिस तरह का टेक एनवायरमेंट इस वक्त है, हम लोग रह रहे हैं उसमें, उसके चलते साइबर क्राइम्स और फ्रॉड होना लाजमी सी बात है, तो बैंक्स को बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। और जैसे कि हम लोग अब ChatGPT की बात करते हैं, कई और चैट बॉट्स भी हैं, चैट बॉट और AI के साथ साथ हम
ये देख रहे हैं कि काफी टारगेट बढ़ चुका है, स्कोप बढ़ चुका है फ्रॉड होने का, तो उसका एक डेटा प्रेजेंट किया गया। इवन देन एक न्यूज आर्टिकल में ये भी था कि G20 की वेबसाइट को भी कई बार ट्राई किया गया बाहर के देशों द्वारा हैक करने का, सो दैट की उससे डेटा रिलीज किया चुराया जा सके। तो इसके ऊपर एक मेंस राइटिंग में एनालिटिकल क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो बनने के उसको हमेशा रहता है, लेकिन आप परसेंटेज पूछ सकते हैं कि कितना परसेंटेज फ्रॉड रहा डेटा के हिसाब से। बट फिर भी छोटे छोटे एब्रीविएशन जैसे CCFCRM जो आप लिखा हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। उसके बाद NCRM आपके लिए इम्पोर्टेंट, NCRP इम्पोर्टेंट बनेगा, जिसको कहते हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है एक NCRP, इसके ऊपर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कि वहाँ क्या है, किस मंत्रालय के अंदर इसका नाम आता है, किसको रिपोर्ट करता है, ये क्या है एक्चुअली, इसको भी सर्च आउट कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल आप मेन्स राइटिंग के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा उसको बिल्डअप करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा और डेटा आपको अपनी मैगजीन या किसी जिस कोचिंग जिस सेंटर को आप फॉलो करते हैं उनसे डेटा लेना पड़ेगा, या फिर खुद जाकर आप गूगल बाबा की हेल्प ले सकते हैं। बट मेरी सलाह हमेशा आती है, जब भी आप गूगल डेटा कोई भी लें तो सरकारी वेबसाइट जो होती हैं, सर जो मंत्रालय है हमारे भारत सरकार के, उनकी वेबसाइट पर जाकर के भी उसको डबल चेक या डबल क्रॉस मतलब क्रॉस चेक करना चाहिए कि डेटा सही है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज नो लॉन्गर फ्रेजाइल कैन वेदर ग्लोबल मार्केट वोलेटिलिटी। अभी कुछ दिन पहले RBI ने कहा था कि हमारे इंडियन बैंक्स हैं वो इस सिचुएशन में, इस अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में भी काफी रेडी है, और हम बाहर की जो चिंताएं समस्याएं हैं वॉर को लेकर के, वैश्विक मंदी को लेकर के, रिसेशन को लेकर के समस्याएं, उनके लिए बैंक्स प्रिपेयर है, मेंटली प्रिपेयर है, और इंडियन बैंक्स की बात हो रही है। और लास्ट ईयर भी ऐसा ही डेटा सब निकल करके सामने आया था। तो आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना ये है कि टर्म्स है, करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए हम बात कर चुके हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट आपको पढ़ना चाहिए कि एक्चुअली क्या डेफिसिट और सरप्लस दोनों ही हो सकते हैं। तो डेफिसिट सरप्लस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अब जब आप CAD को पढ़ लेंगे तो फॉरेक्स रिजर्व तो अपने आप उसमें आ जाएगा कि कितना फॉरेक्स हमारे पास है, कि फॉरेक्स बढ़ना अच्छा होता है या घटना अच्छा होता है, फॉरेक्स रिजर्व कैसे बनता है। और साथ ही साथ अगर आप जब इतना पढ़ लेंगे तो ट्रेड डेफिसिट भी आपको पढ़ लेना चाहिए कि भाई ट्रेड क्या है, ट्रेड डेफिसिट क्या है, कौन कौन सी मदें ट्रेड डेफिसिट में आती है, करंट अकाउंट डेफिसिट में नहीं आती है या आती है। कुछ दिन पहले डेटा आया था कि कैट का जो परसेंटेज होना चाहिए उसमें 1% की गिरावट देखी गई है। तो गिरावट देखी गई है करंट अकाउंट डेफिसिट में, तो कितना हमको आगे के लिए स्कोप है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर, द राइज इन एक्सपोर्ट्स पोस्ट पैंडेमिक हैज गिवन इंडियाज करंट अकाउंट नेसेसरी बफर। मतलब कोविड के बाद से हमारे देश ने काफी रिकवरी करी, पर्टिकुलरली सिंस आउटब्रेक ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर इन 22। नोट्स रिपोर्ट बाय द बार्क्लेज कैपिटल। मतलब हमारे देश ने इस सिचुएशन में भी काफी रिकवरी दिखाई है। इंपोर्ट डिपेंडेंट करंट अकाउंट डेफिसिट वाज एट इट्स मैनेजेबल ऑफ 2%। मतलब CAD हमारा 2% के मैनेजेबल नंबर्स पे था, और फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो इंडियाज रेटिंग एक्सपेक्ट CAD 1.3% इन फाइनेंशियल 24। मतलब हम 2% से और नीचे 0.7% गिर सकते हैं और हमारा CAD 1.3% रह सकता है। तो इस केस में आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए जो मैं लिख रही हूँ, CAD क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, फॉरेक्स किसे कहते हैं, फॉरेक्स के साथ अगर फॉरेक्स का जो बैलेंस है प्लस माइनस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब भी आप इकोनॉमिक्स के लिए बिल्डअप करेंगे, आप नोट्स इकट्ठा करेंगे, तो ये सारे टर्म्स ऑटोमेटिकली आपको पता होने चाहिए, चाहे आप ISO PSC की तैयारी कर रहे हो, IAS की तैयारी कर रहे हो, या किसी बैंक की तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा SSC NDA बहुत सारे, मैं सबके नाम नहीं ले सकती, तो ये सारी चीजें आपको फायदा करेंगी। उसके साथ रुपी डेप्रिसिएशन की जहां तक बात आती है, तो हम परसों की वीडियो में बात कर रहे थे कि रुपी डेप्रिसिएशन की वैल्यू इसलिए आंकी जाती है डॉलर से, क्योंकि अधिकतर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉलर में ही होता है। उसके अलावा तीन करेंसीज और हैं जिसको हम देखते हैं, एक तो हमारा GBP होता है, पाउंड स्टर्लिंग, उसके बाद जापानीज येन होता है, और यूरो होता है, जो हमारी RBI की वेबसाइट पर दिया होता है। इनसे भी हमारा कंपैरिजन होता है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉलर में होता है, इसलिए जब भी डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी और रुपये की वैल्यू घटेगी तो हम एक डेप्रिसिएशन का की सिचुएशन देखते हैं कि हमारी वैल्यू घटी या बढ़ी, राइट। तो जब जैसे कि कह रहे हैं हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट रिकवर करने की सिचुएशन में है, 1.3% आ सकता है, तो इस केस में अगर ये ऐसा करंट अकाउंट डेफिसिट बेटर होता है और हमारा फॉरेक्स रिजर्व डेट है वो भी कम होता है अगर, तो उस केस में हमारे जो रुपये की डिप्रिसिएशन की जगह अप्रिसिएशन भी करेंसी में देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिबिंब डेज 4.4 ब्लैक हैट्स इन जनतारा जोन। देखिए पहला आर्टिकल हमने देखा था जिसमें सेकेंड आर्टिकल, यहाँ पे देखा साइबर क्राइम्स की बात हुई, अब यहाँ बात हो रही जमतारा जोन। जमतारा आपको सबको पता है जो फोन स्कैम्स होते हैं,
वैसे तो जमतारा बिहार में एक जगह है जहां पे जमतारा देवधर सॉरी माय मिस्टेक दैट इज झारखंड में एक जगह है, लेकिन प्रतिबिंब करके एक एप्लीकेशन है जिसने 454 ब्लैक हैट्स को देख पकड़ा को ट्रैक किया है जमतारा जोन में, जहां से अधिकतर करके जो फ्रॉड कॉल्स होते हैं फोन नंबर्स पे आते हैं, बड़े बड़े फ्रॉड्स को अंजाम दिया जाता है। इसके ऊपर एक नेटफ्लिक्स पे एक मूवी भी है, मैंने देखी नहीं, वैसे मैंने देखा है कि इसका नेम टैग आया था काफी समय पहले। तो आपको क्या इस पे से पढ़ना क्या है इसके अंदर से, वो ये है कि आपको लोकेट तो करना ही कि रीजन कहाँ है, लेकिन इस आर्टिकल को जहां पे जमतारा जोन और साइबर क्राइम दोनों को कनेक्ट करके मेंस राइटिंग के लिए क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जहां से आपको डेटा तो नहीं देना लेकिन फिर भी एक एनालिटिकल क्वेश्चन प्रिपेयर हो सकता है कि इस सिचुएशन में जहां की हम एआई जैसी चीजों से जूझ रहे हैं, जो अच्छा भी है बुरा भी है, उसके साथ ही साथ विद इन इंडियन सिक्योरिटी सॉरी इंटरनल सिक्योरिटी वाले सवालों में ये चीजें आ सकती हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में भारत के अंदर ही एक ऐसे रीजन से कॉल्स लोगों को जाती हैं जहां पर जिससे वर्क फ्रॉम होम जॉब्स होती हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड्स होते हैं, बैंक लोन के फ्रॉड्स होते हैं, तो एक स्पेसिफिक जगह है जहां पे लोग बैठे हुए हैं उस तरह का फ्रॉड को अंजाम देते हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी के माध्यम से कितना हम सजग हैं, कितना एक्टिव हैं, और ये प्रतिबिंब जैसी एप्लीकेशन कितना हमको हेल्प कर सकती हैं, इस टेंडेंट से आप एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एनालिटिकल क्वेश्चन। और अगर मैं बात करूं इंटरव्यू में, लोग पूछते हैं कि भाई मैं मैम कैसे तैयार करें, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, तो इस तरह के ऑन स्पॉट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। भैया आज के पेपर में छपागा कि प्रतिबिंब ने एक एप्लीकेशन है उसने जमतारा जोन में काफी ब्लैक हैट्स को देखा है, तो आप क्या करते हैं अगर आपको इसी जगह पे आपको इस रीजन में अगर आपको को अपॉइंट किया जाए एज एन आईएएस ऑफिसर और एज ए ऑफिसर, तो आपका स्टैंड या आपका टेक क्या होगा सिचुएशन में। तो एथिकल इश्यूज को लेकर के भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, आपस में डिस्कशन कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कि कितना सही है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जिससे आपका एक सोच समझ भी डेवलप होती है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि एसी बैक्स सेबी इंजरी इनटू अडानी रिजेक्ट्स एनी अदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वैसे ये जो न्यूज है काफी से पूरा ऑलमोस्ट साल हो चुका है इसको करते करते, ये न्यूज चली आ रही है जब से अडानी जब से इस चीज पे शुरुआत हुई थी, रिपोर्ट रिलीज हुई थी, तब से लेकर के आज अभी तक का जो समय था काफी डामाडोल की सिचुएशन रही अडानी ग्रुप के लिए। और जैसे ये न्यूज आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंडनबर्ग के जो एलिगेशन थे अडानी ग्रुप पे उसके ऊपर सेबी ऑलरेडी काम कर रहा है और सेबी का रीजन है इस पे काम करने का, एपेक्स कोर्ट इसमें कुछ भी खास नहीं कर सकता, इसके बाद से ही अडानी ग्रुप के जो शेयर थे वो सर्च कर गए, यहाँ लिखा भी हुआ है 11.4% सर्च कर गए। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि पहली बात तो ये हिंडनबर्ग एलिगेशन जैसे या फिर अडानी जैसे केसेस जब आते हैं, तो आपको मैंने इसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं जाके पीछे चैनल में। और इसके अलावा आपको इस तरह के जो फ्रॉड वाले जो केसेस होते हैं जहां पे फ्रॉड तो नहीं था लेकिन इस तरह के दूसरे जैसे पहले के हर्षित मेहता कांड है और स्टॉक मार्केट जुड़े हुए जो फ्रॉड्स हैं उनके ऊपर स्टडी आपको करनी चाहिए, क्वेश्चन प्रिपेयर करने चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आईएएस में पहले पूछे गए हैं जहां पे हैंड रिटन आपको स्टडी देनी होती है कि आपका टेक क्या है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था और उसमें इंडियन इकोनॉमी में कितना फर्क पड़ता है, इसके लिहाज से क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। रही बात इस आर्टिकल की, तो इस आर्टिकल से आप ये बिल्कुल तैयार कर सकते हैं कि हिंडनबर्ग एलिगेशन क्या थे और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी पे। आप किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में नहीं बात करेंगे, इन जनरल आप ये बात कर सकते हैं कि इस पूरे ही प्रकरण से क्या निकल के आया, क्या डिस्कशन हुआ, कितना इस पे इंप्रेशन पड़ा इंडियन इकोनॉमी में। बिकॉज अडानी ग्रुप किसी एक व्यक्ति का ग्रुप नहीं है, लाखों करोड़ों जनता का पैसा इस कंपनी में लगा रहता है, कई सारी कंपनीज में लगा है अडानी ग्रुप के अंडर में आती है, तो उनके लिहाज से आपको एक जनरल स्टडी प्रिपेयर करनी चाहिए। इस तरह के सवाल पहले पूछे गए हैं जहां पे स्पेसिफिक फ्रॉड के ऊपर, ये फ्रॉड नहीं है, किसी स्पेसिफिक फ्रॉड के ऊपर सवाल पूछे जाते रहे हैं। उसके बाद कोर्ट ने कहा कोर्ट मस्ट नॉट सब्स्टिट्यूट इट्स ओन विजडम फॉर सेबीज पॉलिसी। तो पहले भी इस पे इस तरह के नहीं, कई और केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि जो जिसका जिसका राइट है जिसपे काम करना सिर्फ वही इस पे काम करे ज्यादा बेटर है, हम लोग को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। ऐसे पहले भी कई ऐसे आउटकम्स आए हैं डिसीजन आए हैं सुप्रीम कोर्ट के। यहाँ पे टर्म है FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और LODR, तो यहाँ पे इसको आप सर्च आउट कर सकते हैं व्हाट इज FPI, उसके बाद LODR आर द रेगुलेशंस बाय सेबी, इसको भी आप सर्च आउट कर सकते हैं। जो बच्चे बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए पूछने लायक क्वेश्चन बन सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ठीक है।
यही उसके आगे का कंटिन्यूएशन में टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं इफ यू वांट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। उसके बाद ये था हमारा आज का डेली न्यूज डिस्कशन, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस, गिव मी अ बिग थम्स अप, और काफी एक्साइटिंग न्यूज के साथ, एनालिसिस के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तैयारी करते रहिए।